नाउ तो इसका मतलब है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रोटेट कराते हैं इस तरह से, तो इस कॉइल में जो है करंट फ्लो होने लगेगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब ये करंट इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा, करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, ये हम देखना चाहते हैं, और कैसे कैसे बनेगा, क्या इसकी डायरेक्शन बदलेगी या नहीं बदलेगी, तो हम ये देखना चाहते हैं। उसको समझने के लिए हमें समझना होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को समझने के लिए आपको भगवान कसम है अपने हाथ पे लिख लेना, थंब पर लिखना मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब पर लिखना मोशन ऑफ कंडक्टर, कि जो कॉयल हमारी घूम रही है उसका मोशन कहां है, उसका मोशन कहां है ना, तो मोशन ऑफ कंडक्टर। ये जो फोर फिंगर है इस पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड, लिख लो भैया लिख लो, इस पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे लिख लेना, इस पे लिख लेना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये वाली जो फिंगर है वो देगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है। नाउ ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक पूरी कॉइल, ध्यान से देखना हम आपको बताने वाले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे यूज करना है। ध्यान से देखना कि ये हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल में जो है, मान लो कि इस कॉइल में ये पूरी कॉइल है, हमने ये जो कॉइल का एक साइड कंसीडर कर ली, लेट से ये वाली साइड कंसीडर कर ली, ठीक है। अब देखो अभी ये वाली साइड क्या है, ये देखो ये रेड है ये वाइट है, अब इस वाइट साइड को आपको देखना है, बस ये रेड है ये वाइट है, अब देखो ये वाइट साइड को देखो सिर्फ, और यहां पे लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये ऑब्वियस है कि ये घूमेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है ना। नाउ देखो ये वाइट साइड को देखो, सबसे पहले आप साइकिल में कर रही, देखो ये पूरी एक साइकिल हो जाएगी ऐसे, ये पूरी एक साइकिल, तो हम देखते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाइट वाला पोर्शन, मतलब साइड का एक एज कहां जाएगा, मतलब नीचे की साइड जाएगा, ये वाला पोर्शन कहां जा रहा है, देखो नीचे की साइड, 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 ये जा रहा है नीचे की साइड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम थंब को कहां रखेंगे, थंब को रखो नीचे की साइड, मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नॉर्थ से साउथ, तो करंट कहां बनेगा, ये वाली फिंगर देखो, ये वाली बाहर की साइड करंट इंड्यूस, तो उसका मतलब कि जब ये कंडक्टर नीचे जाएगा थंब नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट बनेगा बाहर की साइड। इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में केवल इस वाले कंडक्टर को देखो, पूरी कॉइल को नहीं, केवल इसको देखो, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हुआ बाहर की साइड ऐसे, ठीक है। अब दूसरी हाफ साइकिल में देखो पूरी साइकिल नहीं हुई, दूसरी हाफ साइकिल में ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये अब ऊपर की साइड उठेगा, और जब ऊपर की साइड उठेगा इसका मतलब क्या हुआ कि थंब ऊपर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, और ये वाली जो फिंगर है ये कहां जा रही है, अंदर की साइड, दैट मीन्स करंट इंड्यूस अंदर की साइड। तो आपने देखा कि एक बार जब ये नीचे जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन बाहर की साइड ऐसे, और जब ये ऊपर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन अंदर की साइड। तो हमने देखा कि एक साइकिल में इस कॉइल में ये वाले पोर्शन में बाहर करंट गया अंदर करंट गया, बाहर करंट गया अंदर करंट गया, तो एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन कितनी बार बदली, तो क्या बोलोगे कि एक साइकिल में करंट ने अपनी दो बार डायरेक्शन बदली, टू टाइम्स डायरेक्शन। तो इस तरह से हमें पता पड़ गया कि भाई यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हमें एक साइकिल में, दैट मींस हाफ साइकिल में करंट बाहर फिर अंदर, 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 और ये बन गया अल्टरनेटिंग करंट। इसी को तो हम एसी कहते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि भाई एसी किस तरह जनरेट होता है। अब इसको समझने के लिए